मनशावान और आज मेरा दूसरा ब्लॉग है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो आज हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो हम सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, जिनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को कुछ ना कुछ सबक मिलता है। तो आइए चलते हैं हम उनके पास और आपकी उनसे कराते हैं मुलाकात और हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो भी लाइक करें। अब मैं पहुंचा हूं मोहम्मद खालिद के पास, जिन्होंने अपनी मजदूरी को शिकस्त देकर एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह। तो बचपन से हमारे लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं, इनसे सीखने का मौका मिलता है कि आप किसी भी चीज़ को शिकस्त दे सकते हैं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आप करना चाहें। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि ये उन्होंने मजदूरी को शिकस्त देने के बाद ये उन्होंने कब स्टार्ट किया। तो आपने ये बेसिकली कब स्टार्ट किया? दस पंद्रह साल हो गए। क्यों स्टार्ट किया ये? बस मैंने जी की तो अपने वक्त पास करने का मजदूर हैं, हमारे आदमी हैं, अपना कारोबार की था किसी तो बोझ ना बना, अपना कारोबार इस करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक जा रहा है। तो क्या आप इससे अपने घर के अखराज चला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक ने गुजारे हो गए ना चाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इंसान है, किसी ने हाथ फैलाने ना तो गल को नहीं, किसी ने हाथ फैलाने ना तो गल नहीं, अपनी मेहनत करना पड़ी मजदूरी को। अब लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें मैं आखना हमारे पर के सबक हासिल करें, जो अच्छे सेहतमंद हैं खैर वो कार्य नहीं करें हाथ फैलाना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं अपने कारोबार करे ना पाऊँ ठीक है ना, इस तो मैं वे के सबक हासिल करें बेहतर मजदूर हो कभी